हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूमीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉइल्ड एग कॉर्न सैंडविच। तो ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या चीज चाहिए। हमें चाहिए 4 पीस मैंने यहाँ पे ब्रेड रखा है। यहाँ पे मैंने 2 एग पूरा फुल बॉइल्ड करके उसको चॉप करके रखा है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून भर के मेयोनीज लिया है। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट के कप के हाफ कप जो फ्रोजन कॉर्न है उसको लिया है। इसको हम बॉईल करेंगे, तो इसके साथ हम जो बॉईल करने के लिए डालेंगे 1/4 टीस्पून बटर, और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट रखे हैं, 1/4 टीस्पून मैंने पेपर पाउडर रखे हैं और 1/4 टीस्पून मैंने शुगर रखे हैं। और एग में मिक्स करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार, और मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पे पेपर पाउडर रखे हैं। ये मैंने कॉर्न में थोड़ा सा पानी मिला के इसको अभी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो ये जो पेपर पाउडर, बटर, चीनी और जो सॉल्ट है ये सारे मैं ऐड कर दूंगी इसमें। देखिए इसमें उबाल आ गए हैं, तो ये मैं सारे मसाला जो है इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए तेज गैस पे मैंने इसको पूरा बॉईल कर लिया है। अब गैस के फ्लेम मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा पानी इसका जो है सूख गया है। अब देखिए जो ये मेयोनीज में मैं ये जो एग है, दो बॉइल्ड वाला एग जो था कटा हुआ, तो ये मिला लूंगी, और इसमें ये जो कॉर्न अभी मैंने बॉइल किया इसको भी मिला दूंगी, और ये जो पेपर पाउडर और सॉल्ट है इसको मिला दूंगी। सॉल्ट बिल्कुल स्वाद अनुसार डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी मेयोनीज में सॉल्ट होता है, तो ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये मैंने सारे अच्छे से मिला लिया है, और मेयोनीज है जो आपका आप चॉइस अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ा कम चाहे तो कम डाल सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाली है, और इससे बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही, मैंने ब्रेड का जो है एजेस मैंने निकाल दिया है, और एक एक ब्रेड ऐसे लेके इसके अंदर में अच्छे से इसको फिल करेंगे, और दूसरे ब्रेड रख के इसको हम सैंडविच बना लेंगे, और फिर बीच में से हम कट करके जो कॉर्नर में से काट करके ट्रायंगल शेप का बना देंगे। देखिए मैं ऐसे बीच बीच में से काट के इसको सैंडविच की तरह शेप दे दूंगी। अब देखिए ये जो सैंडविच है बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको खीरा के साथ मैंने सर्व किया है, तो कोई भी सलाद के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, इजी और बहुत ही क्विक रेसिपी है, जरूर से ट्राई कीजिए। आगे मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ।